हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, कल 31 मार्च था। 31 मार्च के मुझे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मेरे भाई ने सारे के सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स कि किस किस टाइप से क्वेश्चन उन्होंने भेजा है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। सर, मेरा कल एग्ज़ाम था। यहाँ पर देखिए, ये पूरा भेजा गया है, बहुत ही कम सेकंड, अभी देखिए एक ही सेकंड हुए हैं उन्होंने भेजा है और मैंने आपको यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। मेरा और मेरे भाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था फ्रेंड्स, अभी मैंने आधे घंटे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस टाइम में इसका 1 सेकंड दिखा रहा था, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या लिखा, भारत का 25वां राज्य। ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने सेंड किया है, ठीक है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन उन्होंने सेंड किया और इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर नीचे आते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है इन्होंने कि सर मुझे इतने ही याद है, ठीक है। सर मुझे इतने ही याद है और मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि इनका नाम क्या है और इनके भाई का नाम क्या है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस क्या क्या इन्होंने सेंड किए हैं फ्रेंड्स। इन्होंने ये क्वेश्चन सेंड किए, देखिए फ्रेंड्स, भारत का 25वां राज्य कौन सा है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको मैंने लिख लिया है और आपको पूरा आंसर दिखाऊंगा और इन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसको अच्छे से फ्रेंड्स। तो उसको फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है फ्रेंड्स कि सर मेरा और मेरे भाई का नाम ज़रूर लेना प्लीज़, माय नेम अजय शर्मा एंड माय ब्रदर नेम इज़ विजय शर्मा। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चंस आपने सेंड किया, बहुत सारे स्टूडेंट किया, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और पूरा आंसर देखेंगे और क्या क्या इन्होंने भेजा है उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स कि जी के क्वेश्चंस कितने मुझे मिले हैं। फटाफट मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ। बस आपसे फ्रेंड्स एक छोटी सी विनती रहती है कि आप कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन को शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन जैसे शेयर करोगे आपको आंसर भी फटाफट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने सेंड किए हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, भारत का 25वां राज्य कौन सा बना, तो आंसर आपका हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। अंकोर वाट का मंदिर फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। इससे पहले फ्रेंड्स चार मीनार कहाँ है ये पूछा गया था, कुतुब मीनार कहाँ है ये पूछा गया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा गया था। तो ये याद रहे फ्रेंड्स कि एक मॉन्यूमेंट एक दिन में पूछे जा रहे हैं जरूर। फीफा वर्ल्ड कप 2018 विजेता देश पूछा गया कि कौन सा देश है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका फ्रांस देश जो था विजेता देश था और रनर अप जो देश था वो क्रोएशिया था। कौन था? क्रोएशिया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको देखिएगा ज़रूर। दिलवारा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो फ्रेंड्स दिलवारा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूरा रट लीजिएगा फ्रेंड्स आज अगर आपका एग्ज़ाम है तो। और आपसे बस छोटी सी विनती होगी कि फ्रेंड्स कम्युनिटी टैब में आप क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में सेंड करिएगा, आपको आंसर सारे के सारे मिल जाएंगे। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है, तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो निर्धारित किया जाता है वो अनुच्छेद 63वां होता है। पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं, पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त, देखिए फ्रेंड्स इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो भारत में काली क्रांति का संबंध कच्चे पेट्रोलियम से है। और उजली क्रांति का संबंध फ्रेंड्स, तो ये उजली क्रांति का संबंध दूध से है और उसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की को फांसी किस वजह से दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स जलियांवाला सॉरी ये आपका जो हुआ था वॉर हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। गोलकुंडा का किला किस राज्य में है फ्रेंड्स, तो तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, बंकर शब्द का संबंध गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इडुक्की डैम किस राज्य में स्थित है, तो इडुक्की डैम आपका केरला राज्य में स्थित है। चिल्का लेक फ्रेंड्स, चिल्का जो झील है वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। फ्रेंड्स आप जैसे ही क्वेश्चन सेंड करोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो इतना बस ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन सेंड करिएगा, ऑथेंटिकेट क्वेश्चन सेंड करिएगा फ्रेंड्स। और आपको इसका PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको एग्ज़ाम के एंड में सारे के सारे GK के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे,
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस एक लाइक करते रहिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कालिदास अवार्ड सिटी का नाम। देखिए फ्रेंड्स, जो कालिदास जो अवार्ड दिया जाता है वो किस सिटी में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में दिया जाता है। हॉकी विजार्ड नेम ऑफ पर्सन किसे कहते हैं? तो हॉकी विजार्ड नेम ऑफ पर्सन ध्यानचंद को कहते हैं। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का जो वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हेमोग्लोबिन पर प्रश्न था एक। फ्रेंड्स मुझे याद नहीं, लेकिन हेमोग्लोबिन के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 40 से संबंधित प्रश्न था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से फ्रेंड सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद का निचला सदन आपका लोकसभा है। अगर ऊपरी वाला सदन पूछे तो ये राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पन्ना हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना हीरे की खान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, आपसे छोटी सी विनती होगी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। चलिए, प्रथम महिला जो पहली बार अंतरिक्ष में गई उनका नाम है कल्पना चावला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मुझे ये 27 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो फटाफट देख लीजिएगा इसको और PDF इसका ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई लोग। आपसे एक छोटी सी विनती होगी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज जिनका एग्ज़ाम है आप कमेंट जरूर करिएगा कि आज जिनका एग्ज़ाम है उनसे मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकूं, इतनी मैं आशा रख सकूं आपसे। तो जितने मेरे भाई हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिएगा कम्युनिटी टैब में। आज मैं कम्युनिटी टैब को ऑन करूँगा, वहाँ पर आपको जिस क्वेश्चन को सेंड करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।